हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन न्यू व्लॉग। तो भाई आज थोड़ी मेरी तबीयत डाउन हो रही है। आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की है, थोड़ा सा गले में भी पता नहीं कुछ हो रहा है, इसलिए मैंने आज नाश्ता भी हल्का किया है। दूध दूध के साथ वो क्या होता है, ये दलिया और केला। और कैट्स अपनी पोजिशन पर वहीं पर बैठी हुई है जहाँ बैठती है, इसलिए थोड़ी सी आज हल्की हुई साउंड भी नहीं आ रही है। तो बाहर भी कुछ काम चल रहा है घर का, तो अभी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। दोस्तों, घर में जो काम चल रहा है बहुत थप्पड़ थप्पड़ हो रही है। बिल्कुल सुबह से आज हल्ला होने में ही है, क्योंकि सामान वामान शिफ्ट हो रहा है। सामान शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो सामान आ रहा है जो घर बनने का सामान होता है। जैसे कुछ सामान आया है, वो वहाँ पे उस पर रखा हुआ है, यहाँ पे रख दिया है। और सुबह से ही जब ये होता है कंस्ट्रक्शन, तो काम यार बड़ा ही सरदर्द होता है मेरा तो। मतलब आपका नहीं पता, लेकिन मेरे को तो भी काम बड़ा ही सरदर्द लगता है। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाना, ये करना वो करना, तो अब तो हो रहा है और इसलिए इसको भी एंजॉय करते हैं। यहाँ पे इस टीन को पूरा उखाड़ के साइड में कर रहे हैं, ये टीन पूरी उखड़ के नीचे आ जाएगी। और ये टंकियाँ भी हटानी पड़ रही है, लेकिन मेरे को इन सब चीज़ का गम नहीं है। मेरे को गम है इस चीज़ का, क्योंकि ये टीवी में देखता हूँ। और इसको भी साइड में हम कर देंगे, क्योंकि अगर ये गलती से भी, जैसे कहते हैं, डिस्प्लेस हो गया इधर उधर और टीवी का कनेक्शन नहीं आया, तो हमारी जो हम WWE देखते हैं वो छूट जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मेरे को बस उसकी टेंशन है, और वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे अपॉइंट हैं महाराजा, और महाराजा के साथ क्या होता है, सेनापति, तो दिखाता हूँ। महाराजा के साथ सेनापति वहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इस तरफ महाराजा हैं, इस तरफ सेनापति हैं, तो इनके ही देख रेख में काम हो रहा है। उसके खेत के उस तरफ सामान डाला हुआ है, तो बस ये सब चल रहा है यहाँ पे। और क्योंकि यहाँ पर डेवलप होने वाली है क्या, बिल्डिंग ऊपर को, बाय गॉड, तो मौसम भी गर्मियों का मौसम है। इसमें लगेगा कम से कम 6 महीने तक का समय लगेगा ये बनने में, तो मतलब समझ लो 2024 में यहीं पे सब ये सब होने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पर टैंकी की भी सफाई हो रही है। यहाँ पे ये कौन है अंदर? अरे शेखर भैया है यहाँ पे। हाँ यार, सफाई कर रहे हैं। शेखर भैया यहाँ पे टैंकी साफ कर रहे हैं। ही इज़ दी ग्रेट कटप्पा। वो आपने मूवी देखी है बाहुबली? बाहुबली मूवी में जो कटप्पा है ना, तो ये कटप्पा ही है। और उस हिसाब से मेरे को सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि हमको ही सावधान रहना पड़ेगा। और वहाँ पे वो महाराजा अभी इधर को देख रहे हैं। तो ये सब तो मैं अपडेट आपको देते रहूँगा, बाकी सब भी चलता रहेगा जो भी, क्योंकि बार बार यहाँ पे मैं दिखाऊँगा। वो सामान सारा यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है क्या सामान? हाँ है, यहाँ पर भी आ रहा है। ये रास्ता छोड़ दोगे? ठीक है, ठीक। कितना छोड़ दोगे? ये ऊपर नीचे जाने के लिए ये वाला जो खेत है, ये भी मतलब हमारे मौसा जी का ही है, तो यहाँ पर सामान डाल दें। अभी वो ये वीडियो देखेंगे तो सोचेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे। और कार गाड़ी वाड़ी सब यहाँ डाल दिए। चाय बना दिए क्या है? तो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको चाय पिलाई जाएगी अभी। तो दोस्तों, ये सब सीन चल रहा है अभी घर में, और देखते हैं और क्या क्या होगा ज़िंदगी में। बाकी सब भी चीज़ चलती रहेंगी, ये सब तो चलते ही रहेगा। फ़िलहाल अपनी जो कहते हैं, अभी 2 दिन से थोड़ी हेल्थ डाउन हो रखी है, उसको इम्प्रूव करना है। मैं पू वो एक यूट्यूबर है ना, पू इन कोरिया, वैसे मैं दाढ़ी बनाना नहीं चाहता हूँ, दाढ़ी बनाने के बाद मैं उसके जैसा लग रहा हूँ। पू इन कोरिया, अगर आपको पता ना हो, एक यूट्यूब चैनल है, उसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ पूनम रेखू करके उसके नाम है, तो अभी मैं वैसा लग रहा हूँ मैं आपको देख रहा हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, डिज़ाइन जो मैं कह रहा हूँ वो कुछ ऐसा है, पता नहीं अभी ऐसा बनेगा नहीं बन पाए, इस तरह का चाहिए। और ये सीढ़ियों से, जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे, वहाँ से बंद हो के ऐसा बन जाएगा। इसमें क्या है, इसमें पर शीशे पर वाला बन जाएगा ना, शीशे वाला। हाँ क्यों? शीशे तो छोटे छोटे लगे हैं, वो हैं शीशे, शीशे ऊपर तक शीशे लग जाएंगे उसमें। नहीं, शीशे नहीं है वो, नहीं, ये दीवार है, लेकिन बंद हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा अंदर।
दीवार में शीशे तो है ना वो? हाँ नहीं नहीं जैसे अगर इतना वो करोगे ना तो क्या होगा, पूरा अंधेरा अंदर ज़्यादा हो जाएगा सीढ़ी के अंदर, तो थोड़े शीशे बड़े कर देंगे। हाँ शीशे बड़े हो जाएंगे और ऊपर का मेरे को ऐसा तो आ ही जाएगा ये सब चाहिए, ये तो आ ही जाएगा ये। लेकिन ये छत है, ये पूरा क्या है ना ये उसका नहीं है, ये है टिन, ये सीमेंट का नहीं है, ये टिन है जो आजकल टाटा की टिन चल रही है, टाटा की टिन का डिजाइन है। तो दोस्तों ये वाला डिज़ाइन है, अपने दिमाग में देखते हैं बनने के बाद कैसा बन पाता है। ये तो जैसे मग लाए थे अभी सुबह, क्या होता है कि इसमें ऊपर से दूध डालना है या कॉफ़ी डालनी है, चाय जो भी डालना है, उसके बाद इसको ऐसे चलता है। अभी हम आपको इसमें पहले कॉफ़ी डालेंगे और उसके बाद इसमें दूध डाल के दिखाएंगे कैसे बनता है। तो दोस्तों इस गिलास में हमने डाल दिए दूध और कॉफ़ी और चीनी, अब इस बटन को दबाएंगे। और ये एकदम बिल्कुल अच्छे से जैसे बवंडर बनता है वैसे स्टिर हो गया है। एक और बार दबाते हैं देखो, और पूरा अच्छे से एकदम मिल गया है। एक बार अब इसको टेस्ट करते हैं और पूरा मिक्सचर एकदम अच्छे से बन गया है ये तो, एकदम ये परफेक्ट बनाने के लिए है एकदम ये स्टीरिंग मग। उसको जितना चाहो उतना आप स्टीर कर सकते हो। तो दोस्तों ग्रीन टी बनाने के लिए हम ये कुछ स्पेशल टाइप की मग लाए हैं। ये अभी इसमें दिख रहा होगा सिंपल, कैमरे में तो सिंपल दिख रहा है लेकिन इसमें जब ग्रीन टी पड़ती है तो ये एकदम अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल जिसे कहते हैं टूटता भी बहुत ही मुश्किल से है, तो इसमें अब ग्रीन टी डाल दी जाएगी। और ये ग्रीन टी इसमें मग में डाल दी है, बिल्कुल अलग दिख रही है, पता नहीं कैमरे में कैसी दिख रही होगी लेकिन वैसे सामने सामने से बड़े ही बढ़िया इसका लुक आ रहा है। आजकल मग का हमको वो चढ़ाया है, सुर चढ़ाया है अलग अलग तरह के मग लाने का, ग्रीन टी का, कॉफ़ी का, स्टीरिंग मग। ग्रीन टी तो रोज ही पीते हैं। तो दोस्तों आज मैंने क्या किया, दिन में पूरा ये भर के दाल थी, दाल खा ली और उसके बाद जाकर ये मिठाई लाए थे, वो जो आपने देखा भैया टंकी के अंदर चॉकलेट वाली मिठाई वो लेके आए थे, ये वाली मिठाई लेके आए थे। ये कम से कम मैंने इसके चॉकलेट के 10-12 पीस खा दिए, उसके बाद नींद आ गई थी, तो इसलिए आज अपना डिनर में अपने को भूख नहीं है। और वो जो टंकी में गए थे भैया वही लेके आए थे इसको, तो पेट एकदम अभी फुल है, भरा हुआ है। तो दोस्तों अब रात का समय है, थोड़ा सा वॉक करते हैं और फिर सो जाएंगे, आज बहुत थकान हो गई है सच में। और ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, बस देखते हैं होता क्या है। लेट्स सी। गुड नाइट, गुड नाइट।